हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सिबेश स्वागत है आप सभी के मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों कल से मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे उत्तराखंड जीके की जो आपके पे टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पे शुरू की है और आज इसका यहाँ पे भाग दो है ठीक है तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है वो आप सभी के लिए आपके यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस पटवारी फॉरेस्ट गार्ड और यूके की जितनी भी आपके यहाँ ग्रुप ग्रुप्स के यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए आपके यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक यहाँ पे फॉलो करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आने की यहाँ पे संभावना बढ़ जाएगी ठीक है और दोस्तों आपके जो यहाँ पे रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से होगा ठीक है तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको टेस्ट के हिसाब से लें ना कि आप यहाँ पे इसको क्लास के हिसाब से लें ठीक है ये आपके यहाँ पे सेशन है टेस्ट का जिसमें आपके यहाँ पर रिविजन कराया जा रहा है तो आपके यहाँ पे अच्छे ढंग से रिविजन हो सके इसलिए मैंने ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे शुरू की है और दोस्तों आपके जो यहाँ पे सपोर्ट है इस टेस्ट सीरीज पे वो आपके यहाँ पे काफी कम आ रहा है अगर दोस्तों आपके यहाँ पे सपोर्ट नहीं आएगा तो ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रह पाएगी तो इसलिए आप यहाँ पे अपना सपोर्ट दें और आप सभी के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज है और धीरे धीरे इसमें आपके यहाँ पे काफी जो क्वेश्चन है आपके ये उत्तराखंड के वो आपके यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक है आपके यहाँ पे रिंगाल का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोस्टा सुप्पा कांडा चंगेरा ये जो आपके यहाँ पे रिंगाल के उपयोग होते हैं दोस्तों वो आपके यहाँ पे उत्तराखंड में किए जाते हैं ज़्यादातर आपके यहाँ पे सुप्पा हो गया और मोस्टा हो गया कांडा होगा चमेरा होगा जिसमें आपके यहाँ पे घरेलू सामग्री होती है वो आपके यहाँ पर रखी जाती है इसके अलावा आपके यहाँ पे घास लाए जाते हैं तो इसलिए आपके यहाँ पे रिंगाल का उपयोग किए जाते हैं और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में आपके यहाँ पे रिंगाल के काफ़ी सारे आपके यहाँ पे आइटम बनाए जा रहे हैं ठीक है तो ये आपके यहां पे होम मेड है और काफी लोग इसका यहां पे उपयोग कर रहे हैं और इससे काफी अच्छा यहां पे पैसा भी यहां पे कमा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए यहां पे कमलेश्वर मंदिर स्थित है तो कमलेश्वर मंदिर आपके यहां पे कहा है ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रहे हैं इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर गढ़वाल में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे की और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके यहाँ पे भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ठीक है तो देखिए दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते आपके पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके यहाँ पे बागनाथ का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिव जी का ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर क्वेश्चन नंबर फाइव आपके यहाँ पे नाग देवताल डेड डेडेट्स में आपके यहाँ पे स्थित है तो कहा आपके यहाँ पे नाग देवताल स्थित है आपको यहाँ पे बताना है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रानी अल्मोड़ा में नंबर सिक्स आपके यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ आप पे राइट आंसर हो जाएगा सत्तर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन आपके यहां पे कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहां पे दे रखे हैं इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सीज का आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्वाराहाट ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते आपके यहां पे क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर क्वेश्चन नंबर आठवा आपके यहाँ पे जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है तो कहाँ है आपके यहाँ पे बताना है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर का आप यहाँ पे राइट आंसर होगा अल्मोड़ा में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन है दोस्तों आपके यहाँ पे राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है तो कहाँ है आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा देहरादून में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दसवीं की ओर क्वेश्चन नंबर दसवें आपके यहाँ पे उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है तो दोस्तों किस समुदाय में आपके यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर है आपको यहाँ पे बताना है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे हैं इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोटिया जाति में ठीक है क्वेश्चन नंबर ग्यारह है दोस्तों आपके यहाँ पे प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया है आपको यहाँ पे बताना है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बारहवीं की ओर क्वेश्चन नंबर बारहवें आपके यहाँ पे रिवर्ट राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है तो कौन सा स्थान है दोस्तों जहां पे रिवर्ट राफ्टिंग की जाती है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं इसका जो आपके यहाँ पर राइट right आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोडियाला में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपके यहाँ पे अशोक कालीन शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान से मिला है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालसी में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आप आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके यहाँ पे कपकोट ब्लॉक विकासखंड किस जनपद में स्थित है तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागेश्वर में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पंद्रह की ओर क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपके यहाँ पे खांगला मेला किस जनपद में लगता है ठीक है तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे हैं इसका जो आपके यहाँ आप पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो देहरादून में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सोलवें की ओर क्वेश्चन नंबर सोलवा आपके यहाँ आप पे भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है तो कहाँ है आपके आप पे बताना है तो दोस्तों इसका जो आपके यहाँ पे आप राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देहरादून में क्वेश्चन नंबर सत्रहवा आपके यहाँ पे प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अट्ठारहवें की ओर क्वेश्चन नंबर अट्ठारहवा आपके यहाँ पे देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मसूरी में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर क्वेश्चन नंबर उन्नीस आपके यहाँ पे विकास मेला किस जनपद में लगता है ठीक है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें इसका जो आपके पे राइट, आप राइट आंसर आप के आप के आप तो right है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो होगा टेहरी में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की ओर क्वेश्चन नंबर है आपके पे गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था ठीक है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बीस का यहाँ पे राइट आंसर होगा उन्नीस सौ तेईस में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इक्कीस की ओर क्वेश्चन नंबर इक्कीस आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे देखें तो इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र नगर टिहरी ठीक है तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चलिए दोस्तों बढ़ते है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बाईस की और क्वेश्चन नंबर बाईस आपके यहाँ पे बीरमा गगास बीनो किसकी सहायक नदियाँ हैं ठीक है थीके? तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा की ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आप आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तेईस की और क्वेश्चन नंबर तेईस आपके यहाँ पे कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था तो दोस्तों इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका आपके यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सोमचंद का ठीक है क्वेश्चन नंबर चौबीस आपके यहाँ पे उन्नीस के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था तो किसने लिया था ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकंदीलाल ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते आपके यहां आप पे क्वेश्चन नंबर पच्चीस की ओर क्वेश्चन नंबर पच्चीस आपके यहां पे सोम का भांडा नामक स्थल है तो कहां पे स्थित है आपके यहां आप पे बताना है तो इसका जो आपके यहां आप पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका आपके यहां आप पर राइट आंसर हो जाएगा देवलगढ़ में ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते आपके यहां आप 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 पे क्वेश्चन नंबर छब्बीस की ओर क्वेश्चन नंबर छब्बीस आपके यहाँ पे केदा रज्जू किसे कहते हैं तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहां पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थल केदार को ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सत्ताईस की और क्वेश्चन नंबर सत्ताईस आपके यहाँ पे राज्य का पहला आरोग्य शहर स्थित है तो कहाँ है आपके यहाँ बताना है इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा रिस्कीस तो में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आप आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस की और क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस आपके यहाँ पे शीतकालीन हिम क्रीडाओं का प्रमुख केंद्र ओली किस जिले में है तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चमोली में चलिए दोस्तों बढ़ते आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उनतीस की ओर क्वेश्चन नंबर उनतीस आपके यहाँ आप पे आप द्वार हाट में नवी शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है तो क्या जाना जाता है आपको यहाँ बताना है ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे देखें इसका जो आपके यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजर देव को जानता है ठीक है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टी आपके यहाँ पे दीवान सहा भाकुनी का संबंध किससे है तो दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखें इसका जो आपके पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औषधि विज्ञान से तो दोस्तों यही था आपके यहाँ पे थर्टी क्वेश्चन और थर्टी में से आपके यहाँ पे कितना स्कोर रहा है आप मुझे पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ठीक है और दोस्तों आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता इस टेस्ट सीरीज पे तो जल्द ही इस टेस्ट सीरीज को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि दोस्तों हम भी अपने यहाँ पे बिजी शेड्यूल से आपके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज लाते हैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे लंबी क्लास नहीं ला पाते क्योंकि दोस्तों मेरा यहाँ पे बिजी शेड्यूल होता है लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आधा घंटा आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना ही लेता हूँ ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलता है आपके यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बेस्ट ऑफ लक जय हिंद वंदे मातरम